हमारे साथ बेहद खास मेहमान मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव। कंपनी ने आज 5-door जिमनी को लॉन्च किया है और इसकी शुरुआती कीमत 12,70,000 रुपए है। और शशांक से आज नए लॉन्च, इंडस्ट्री के कंपटीशन और कंपनी की आगे की योजनाओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। शशांक, स्वागत है आपका और नई गाड़ी की लॉन्च के लिए आपको मुबारकबाद और ढेरों शुभकामनाएं भी। प्राइसिंग के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन महिंद्रा थार और बाकी जो आपके पीयर्स हैं और कंपेटिटर्स हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है प्राइसिंग। क्या वजह रही इस तरह की प्राइसिंग को सिलेक्ट करने के पीछे, अगर आप समझा पाएं? जी देखिए, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि व्हीकल्स के स्पेक्स क्या हैं। जो आपने जिक्र किया जिस बात का कि महिंद्रा के थार की प्राइसेस थोड़ी कम है इसके, अगर हम इसका मुवाजना मारुति की जिमनी की प्राइसेस से करें, लेकिन जो मारुति की जिमनी है वो 5-door है जबकि जो थार है वो 3-door व्हीकल है। दूसरा, मारुति की जो जिमनी की जो गाड़ी है वो 4-wheel drive है, 5-door के अलावा 4-wheel drive भी है, उसमें एक स्टैंडर्ड फीचर है 4-wheel drive का। तो अगर आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें तो जो यूनिट्स थार के हैं मारुति जिमनी के कंपैरिजन में, तो उस हिसाब से जिमनी की कीमत एक्चुअली लगभग 1,00,000 से 1,10,000 कम है उसके मुकाबले। तो ये चीज हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जो प्राइस का मुवाजना आप कर रही हैं थार की, वो 2-wheel drive और 3-door थार से कर रही हैं, जो एक मुख्तलिफ गाड़ी है इसके कंपैरिजन में। अब थोड़ा सा रिस्पांस के बारे में मुझे जानना है। वैसे तो सभी को बेसब्री से इंतजार था, जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तभी से सबको इंतजार था कि कब गाड़ी दिखेगी और कब शुरुआत हो, लेकिन ये बताएं अब तक का रिस्पांस कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ अगर आंकड़े आप हमारे साथ साझा कर पाएं। जी, आंकड़ों के में मुझे तो बहुत अच्छा बेहतरीन रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। लगभग 31,000 बुकिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं जिमनी की, और ये उस वक्त आई हैं जब हमने अभी कीमतें अभी हमने अनाउंस नहीं करी थी। अब जब कीमतों का ऐलान किया है तो उसके बाद क्या रुझान रहेगा ये हमें देखना है, लेकिन फिलहाल अभी तक का जो जो सार्फीन है उनका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा अच्छा है। अभी तक जो आपने आंकड़ा बताया है इसको अगर मैं और डिवाइड करना चाहूं तो क्या शहरों के लिहाज से, बड़े या छोटे मझोले शहरों, कहां से कहां डिमांड आ रही है, कुछ इस तरह का आंकड़ा बता पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके दो वर्जन है, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और एक मैनुअल ट्रांसमिशन है। लगभग जो बुकिंग्स अभी तक आई हैं करीब आधी आधी आई हैं, तो 50% ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 50% मैनुअल ट्रांसमिशन। और जो बुकिंग्स हैं वो इस समय ज्यादातर Tier 1 और Tier 2 शहरों से आई हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे इसका ये और गाड़ियां उतरेंगी बाजार में तो Tier 3 और Tier 4 में भी ये गाड़ी अच्छी बिकेगी। के साथ आपका टारगेट मार्केट शेयर आपने क्या आंका है शशांक? देखिए, बड़ा आपने बड़ा अहम सवाल किया है। हमारे अगर आप देखें नॉन एसयूवी के सेक्टर में हमारी बाजार की हिस्सेदारी लगभग 64% है, 64, और अगर एसयूवी के साथ उसको मिलाएं तो ये बाजार की हिस्सेदारी हमारी करीब 43% के करीब हो जाती है। अच्छी गिरावट आती है और इसकी बुनियादी वजह यही है कि एसयूवी के सेगमेंट में हमारी बाजार की हिस्सेदारी बहुत कम है। पिछले जो गुज़िश्ता साल था, माली साल 22-23, उसमें हमारी बाजार की हिस्सेदारी एसयूवी के क्षेत्र में 12% थी, 12.1%। लेकिन हमने जो गाड़ियां उतारी हैं, और इसीलिए अगर जब हमारा हदफ है 50% मार्केट शेयर का, उस बाजार की हिस्सेदारी का हदफ को अगर हमें हासिल करना है तो ये जरूरी है कि हम अपनी बाजार की हिस्सेदारी एसयूवी में बढ़ाएं। और यही वजह है कि हमने ग्रैंड विटारा उतारी पिछले सितंबर में, फ्रॉन्क्स और अब जिमनी भी उतारी है। हमें उम्मीद है कि हमारा जो हिस्सेदारी वो बढ़ेगी। इनफैक्ट अगर आप अप्रैल और मई यानी जो रवा माली साल है 23-24, उसमें हमारी बाजार की हिस्सेदारी लगभग 20% हो गई है, जो गुज़िश्ता साल 12% 8% इजाफा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि साल के अंत के इख्तिताम तक जो है हमें करीब 24% तक की बाजार की हिस्सेदारी हो जाएगी एसयूवी क्षेत्र में, और अगर वो होती है तो हमारा जो पूरा मार्केट शेयर है बाजार का वो लगभग 45% से 46% के करीब हो जाएगा।
बढ़िया। इसके पीछे मुझे पूरा यकीन है कि आपकी योजना भी काफ़ी उम्दा होगी, लेकिन थोड़ा सा एसयूवी सेगमेंट में अपना दबदबा और बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, क्या और लॉन्चेस इसी सेगमेंट में हम आने की उम्मीद क्या कर सकते हैं? टाटा हैरियर जैसी के लिए आप कोई और बड़ा कंपटीशन आने वाले वक्त में, आने वाली तिमाहियों में लाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके चलते भी शायद आप ये कह रहे हो कि आपका जो मार्केट शेयर है वो इतना ऊपर जा सकता है या आपने आंका हुआ है 45 के आसपास? जी, वो आका हमने ये जो हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो जाहिरी पोर्टफोलियो है, मतलब ये जो चार गाड़ियां हैं, ब्रेजा, जिमनी, फ्रॉन्क्स और विटारा, उसकी बुनियाद पे मैं बोल रहा हूँ। और वो बड़ी गाड़ी जिसका जिक्र शायद आप, जिसका इशारा जिस तरफ आप कर रही हैं, तो वो एक्चुअली 3 रो की हमारी एक बड़ी गाड़ी है जिसको हम लॉन्च करेंगे अगले क्वार्टर में। और यकीनन उससे हमारा जो एमयूवी का जो मार्केट शेयर है, यानी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल में जो मार्केट शेयर है, वो भी यकीनन और ऊपर जाएगा। शशांक, ये बताइए कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है एसयूवीज और एमयूवीज की ओर, क्या ये मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि इन सब तरह के शिफ्ट्स को पचा पाए? लाइफस्टाइल सेगमेंट की बात करें, स्पोर्ट की बात करें, ऑफ रोड एसयूवीज की बात करें, या किसी नीश सेगमेंट की भी हम बात करें, किस तरह से मार्केट अब बड़ा हो रहा है और फैल रहा है? जी यकीनन, हमने हमारा जो जो तजुर्बा है ऑटो में, उससे तो एक यही हमें रुझान देखने को मिल रहा है कि जो जब भी कोई सेगमेंट बड़ा होता है तो एक सब सेगमेंट्स उसमें से निकल के आते हैं। और यकीनन जो एसयूवी का जो सेगमेंट है उसमें भी हमें यही देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें जो एसयूवी का सेगमेंट है, पिछले साल, गुजशत साल 42-42% का था ओवरऑल मार्केट, सबसे बड़ा सेगमेंट था। और उसमें जो एंट्री एसयूवी सेगमेंट है वो करीब 23-24% था, और जो मिड एसयूवी है करीब 20-22% का था। तो जब ये सेगमेंट इतने बड़े हो जाते हैं, यानी 16,70,000 का जो सेगमेंट है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि सब सेगमेंट्स एमर्ज करते हैं। और यही वजह है कि फ्रॉन्क्स की जो गाड़ी हमने उतारी, वो भी हमें जो जो हमें आंकड़े जो हमें दे रही है, वो जो मार्केट शेयर की हिस्सेदारी दे रही है, उसमें खासा इजाफा हुआ है। और हमें उम्मीद है कि जिमनी के सेगमेंट में भी, हालांकि वो सेगमेंट लाइफस्टाइल एसयूवी का है और इस समय थोड़ा छोटा है, लगभग 50,000 का ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिमनी के उतरने से और गाड़ियां जब इस सेगमेंट में आएंगी, तो ये सेगमेंट भी आगे जाके बड़ा होगा। हमारे साथ हैं और आपसे बात करते हुए मुझे कोई हेडलाइन ना मिले ये तो नामुमकिन है। जो बड़ी गाड़ियों पर आपने फोकस करने की बात कही है उसमें कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी तो देना बनता ही है। कम से कम आपकी तैयारी कैसी चल रही है? कब तक, अप्रोक्सीमेटली कब तक हम किसी बड़े ऐलान की उम्मीद कर सकते हैं आपसे? जी, ये हेडलाइन आप दे सकती हैं, क्योंकि हमने जो हमारा मंसूबा ये है कि ये जो बड़ी गाड़ी है उसको हम अगले महीने ही कोशिश करेंगे बाजार में उतारने की। और कोशिश हमारी ये है कि उसके उतारने के बाद एमयूवी के क्षेत्र में हमारी जो बाजार की हिस्सेदारी है उसमें भी खासा इजाफा होगा। आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद इस चर्चा को हम समेटेंगे। शशांक, रूरल डिमांड को लेकर ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या दिखाई दे रही है आपको? क्या कहानी वहां पर बदल रही है? रूरल डिमांड जो है, उसकी जो जो हमने डिमांड पैरामीटर्स देखे हैं वो मुस्तकिम है, स्टेबल है। और मई के महीने में भी जो रूरल की जो ग्रोथ थी वो अर्बन और शहरी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी। और हमारे जो पोर्टफोलियो है उसमें लगभग 43.7% जो अप्रैल महीने का जो रवा माली साल है उसमें रूरल मार्केट की हिस्सेदारी रही है। हमें उम्मीद है कि जो एमएसपी का अनाउंसमेंट हुआ है आज बढ़ने का, और जो अब तक की जो रबी की जो जो क्रॉप की जो कटाई हुई है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि रूरल के क्षेत्र में भी अभी अच्छा चलेगा। ये सब मशरूत है मानसून के ऊपर, और वहां हमें हमारी पैनी नजर है रहेगी कि मानसून किस तरह करवट बैठता है। और अगर मानसून नॉर्मल रहा तो यकीनन ये और रूरल के जो सेल्स हैं वो यकीनी तौर, मतलब यकीनन अच्छे रहेंगे। श्रीवास्तव, बहुत अच्छा लगा, आप जब भी आते हैं बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं विलिम और अनिल के मयूरेश जोशी। मयूरेश स्वागत है आपका, और बताएं क्या आपने जिमनी देखी, गाड़ी पसंद आई आपको? आफ्टरनून कविता जी, फर्स्ट टाइम आपके ही शो पे देखी। अच्छा बताइए, हमने बात की शशांक से, क्या कुछ भाप पाए आप और क्या रणनीति सुझाएंगे दर्शकों को? नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कविता, आई थिंक बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि जो मार्केट शेयर कंपटीशन के वजह से 41-42% के आसपास आ चुका था, यहाँ पे मैनेजमेंट एक ग्रेजुअल वे में मार्केट शेयर रीगेन करने की चेष्टा रखती है। एंड द टारगेट्स आर वेरी वेरी क्लियर। आई थिंक एसयूवीज में मार्केट शेयर गेन करना है। हालांकि कॉम्पिटिशन काफी इंटेंस है ये सेगमेंट में, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। आपने देखे नए लॉन्चेस M&M से, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है इंक्लूडिंग किया, हुंडई है, are expected to get a lot more launches in the next few years. However, अगर ये market share इस वे में और overall market share 45% तक बढ़ाते हैं, जो इनकी long term vision है वापस 50% पहुंचने की, ये एक बहुत बड़ी re-rating हो सकती है as new as auto number starts flowing in. Second, I think जो इनकी order book है लगभग 4 लाख unit की, अच्छी खासी order book impact हो गई थी semiconductor issues के वजह से। I think a large part of that issue is now behind us. And 1/3 of the order book is a CNG order book. जहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और जो गवर्नमेंट के पूरे हैं टुवर्ड्स सीएनजी और हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कार्स एज वेल, ये इसको अच्छी तरह से आई थिंक एक ट्रैक्शन में रखेगा। थर्ड, आई थिंक जो ओवरऑल डिस्काउंट्स है ये अच्छे खासे काम होते जा रहे हैं। पिछले तिमाही में जो डिस्काउंट्स आए थे वो 13,200 रुपए के आसपास आए थे पर यूनिट, कंपेयर टू 15,000 अ क्वार्टर बैक। थोड़ी कीमतें जरूर बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ द सीट बेल्ट नॉर्म्स, और इसके वजह से आई थिंक ये पास थ्रू जरूर करेंगे। बट मुझे लगता है आई थिंक जो ओवरऑल डिमांड आउटलुक है, जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू जो 14,000 करोड़ पे आई थी, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक मार्जिन्स 10 और 10.5% के परसेंट के बीच में यथावत रह सकती है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पेडिग्री है, लीडरशिप स्टॉक है विद इन द ऑटो स्पेस, अबाउ की मूविंग एवरेजेस ऑन द ओनिल मेथोडोलॉजी, तो मुझे लगता है जिनके पास भी है बिल्कुल बने रहना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग। राइट, चलिए तो बढ़िया तस्वीर उभरती हुई, और आगे की रणनीति के लिए यहाँ पर काफ़ी दमदार स्टॉक की चाल दिखाई दे रही है। मयूरेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।